कराने जा रहे हैं अपकमिंग मूवी डॉक्टर रंगीला, उसकी यहाँ पूरी टीम मौजूद है, उसके स्टार, उसके डायरेक्टर और उसके स्पॉन्सर्स सब मौजूद है। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मिस्टर कल्याण जी। कल्याण जी, हमारा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि आपकी जी, आप हमेशा मीडिया में घिरे रहते हैं, उसका क्या रीज़न है? वो रीज़न हम जानना चाहेंगे। क्योंकि मीडिया मेरे सब कुछ है, मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे सब कुछ है। क्योंकि उस मीडिया के वजह से आज मैं कल्याण जी बना। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक गरीब इंसान हूँ, छोटा एक गरीब आदमी हूँ, कोई बड़ा एक्टर नहीं हूँ मैं। अगर वो मीडिया ना होता तो आज मैं कल्याण जी नहीं बनता, क्योंकि मीडिया ही मेरे सब कुछ है। और सही में मीडिया की वजह से बहुत जन आगे बढ़ते हैं, तो मैं शुक्रिया मैं करता हूँ मीडिया को, जो मीडिया इस गरीब के लिए भी मतलब हेल्प करते हैं, मेरी हर जगह मेरे पास आते हैं, मेरे हर एक इवेंट में आते हैं। थैंक यू, मैं सैल्यूट करता हूँ। अच्छा, मीडिया। वन मोर क्वेश्चन कल्याण जी, आपकी पहले आई दो फिल्म ड्रीम सिटी मुंबई एंड ढूंढ लेंगे मंजिल हम, ऐसा उन्होंने बहुत धमाल मचाया है। लेकिन अभी आपकी जो अपकमिंग मूवी है डॉक्टर रंगीला, इसका आपने इसका जो नाम है वो देख के आपने इस मूवी में काम करने की सोची है, या फिर इसमें कोई कैरेक्टर ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है? पहली बात तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं फारूक इलाही सिद्दीकी को, जो मेरे गुरु है। बहुत सालों से इनके पास मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ, और एक्टिंग सीखने के बाद उन्होंने बोला जो तू जो भी करना है कर, लेकिन जिस दिन मैं तेरे लिए कुछ करेगा तो तू उस दिन स्टार बनेगा। और वो दिन आ गया आज, क्योंकि मैंने पहला फिल्म दिया ढूंढ लेंगे मंजिल हम, बहुत अच्छी फिल्म था। और उसके बाद मेरी फिल्म आ रहा है नेक्स्ट मूवी ड्रीम सिटी मुंबई, जो अक्टूबर एंडिंग में आ रहा है। और सभी को मैं दुआ करता हूँ, प्लीज़ दुआ कीजिए मुझे इस गरीब आदमी को मेरी फिल्म देखने के लिए। थैंक यू सर। और इतने सालों के बाद मैं जो आपके अंदर था, जो कल्याण जी को लेके मैं फिल्म बनाएगा, तो आपने मुझे वो मौका दिया। डॉक्टर रंगीला बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैंने सुना, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को जाना। और सही बात है, बंदा इतना अच्छा है, डायरेक्टर इतने अच्छा है, इतना काम करते, इतना जुनून बंदा है। और साथ में एक मेरे साथ में जो डॉक्टर का रोल कर रहा है वो भी बहुत अच्छे एक्टर है, अखिल नायर, जो वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन वो भी एक अच्छा एक्टर है। और दोनों साथ में काम करेंगे, धमाल करेंगे एकदम। और आप उस गरीब को साथ दीजिए और आपकी फिल्म में सब्जेक्टी ऐसा है। सर, वन मोर क्वेश्चन। हाँ सर, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। एक और क्वेश्चन है, आज की डेट में आपकी मूवी जेल के अंदर दिखाई जा रही है कैदियों को। हाँ जी, हजारों लोग शायद आपकी मूवी देख रहे हैं। हाँ जी, आपकी मूवी का बेस ऐसा होता है जो लोग उसको टेक्स्ट फ्री करते हैं और जन जन में आपकी मूवी पहुंचती है। हाँ जी, आप जमीन से मूवी का जो बेस है पकड़ के चलते हैं। हाँ जी, तो उसके पीछे क्या रीजन है? सर, मैं आपने बोला, देखिए मेरा रोम खड़ा हो गया सर। देखिए सी सर, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा अचीवमेंट मिला मेरे को जिंदगी में। जो ढूंढ लेंगे मंजिल हम जैसी फिल्म मेरा आज जेल में कैदियों को मेरा आज दिखा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इतनी बड़े जेलों में आज इतनी छोटी सी, मतलब कोई बड़ी फिल्म नहीं मेरा, लेकिन आज दिखा रहा है, बहुत बड़ी बात। मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे जितने भी DOP हैं, मेरे डायरेक्टर, मेरे आर्टिस्ट, को एक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, द नेहा बंसल, लला सावी तोमर, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी मेरा स्पोर्ट बॉय है, इन सभी का मैं सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि उन लोग ना होता तो मेरा आज वो फिल्म आज जो दिखा रहा जेल में, तो वो ना होता। तो थैंक यू इज माई ऑल मीडिया, तो मेरे को एक्टर्स, मेरे जितने भी मेरे सपोर्ट करता है, जैसा मेरे डॉक्टर साहब यहाँ पे खड़े हैं, मुकेश भाटिया जी, जिनकी मैं हेल्थ वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड का मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो थैंक यू मैं सर, जो मुझे इस गरीब को ब्रांड बनाया अपनी प्रोडक्ट का, और बहुत मुझे हेल्प करते हैं सर। और तमाम दोस्त हैं मेरे, फेसबुक फ्रेंड, मेरे व्हाट्सअप फ्रेंड, जिनकी दुआ से, मेरी मम्मी डैडी की दुआ से, मेरी पेरेंट्स की दुआ से, मेरी तमाम दोस्तों की दुआ से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मैं सैल्यूट करता हूँ उन सभी को, और जिन्होंने, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और मीडिया के सामने खड़ा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मिस्टर फारूक इलाही सिद्दीकी, जो कि डायरेक्टर है इस मूवी के, और ये इनके बारे में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। ये नए लोगों को, फ्रेशर लोगों को चांस देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि अभी कल्याण जी ने बताया कि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, मैं जिस दिन मैं स्टार बनाऊंगा तो स्टार तुम तभी बनोगे, तो ये नए लोगों को सपोर्ट करते हैं। अभी इन्होंने डॉक्टर रंगीला के लिए सेलेक्ट किया है, शॉर्टलिस्ट किया है मिस्टर कल्याण जी को, तो सर आपने कल्याण जी में ऐसा क्या देखा जो और लोगों में नहीं है? देखिए,
कल्याण जी के अंदर जो बचपन से मैंने देखा कि कोई भी चीज़ को करने की जो चाहत है कल्याण में बहुत अच्छी है। दूसरा रिस्पेक्ट, जो सीनियर हैं कल्याण ने हमेशा रिस्पेक्ट करी है, और कल्याण का एक मुकाम है, इंशाल्लाह कल्याण भी एक दिन एक अच्छे लेवल पे, इंशाल्लाह ये जो हमारी डॉक्टर रंगीला है ये कॉमेडी के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे फिल्म है कि अनविश्वास, अनविश्वास के ऊपर आज हिंदुस्तान, उसके अंदर कोई धर्म नहीं है, एक सब्जेक्ट दिया हुआ है अनविश्वास। कॉमेडी में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है कि औरत को कभी भी गलत ना समझा जाए, औरत हमेशा वफादार थी, है और रहेगी। ये हमारी एक फिल्म का बेस है जो कल्याण जी निभा रहे हैं। इसके अंदर कल्याण जी को पहली बार आप सीरियस रोल में दिखाई देंगे और पहली बार इंशाल्लाह ये एक्शन करते हुए दिखाई देंगे, जो केवल फाइट की हमारे कुछ सीक्वेंस हैं। हॉलीवुड का ये कल्याण जी की शायद यादगार फिल्म बनेगी।